नमस्कार। आजकल आज के इस अंक में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में सामाजिक सरोकार के कई कार्यक्रम शुरू किए, उनमें से एक प्रमुख है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी कार्यक्रम को एक अहम मुकाम देने के लिए सरकार के साथ कई सामाजिक व्यक्ति भी आगे आए। उनमें एक नाम प्रमुख है श्री रमेश अग्रवाल का, जिन्होंने अपने व्यवसाय के साथ साथ स्कूलों में पढ़ने वाली देश की अभावग्रस्त बेटियों को प्रतिमाह साइकिल वितरण का काम शुरू कर एक मिसाल कायम की। क्या कहते हैं श्री अग्रवाल इस विषय पर? कंपनी के सीएसआर के अंदर एक हमेशा रहा कि जो मोदी जी का एक आवाज़ थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हमने उस पर एक काम करना शुरू किया। बेटी पढ़ाओ तो कैसे, इसमें क्या काम करें? हम ट्रांसपोर्टर हैं तो हमने देखा कि जो गरीब तल्ले की लड़कियां हैं, जो स्कूल में जाती है, वो एक उनको अपने आप एक कॉन्फिडेंस हो, जो स्कूल के बाद अपने घर का भी काम करे, स्कूल के बाद कहीं माँ बाप के भी एक सहायक बने। तो हमने उनको अपने ये जो साइकिल है दो पहिए वाली, वो हमने उनको देना शुरू किया, जो एक वो रख दी कि भाई कोई भी बच्ची अच्छे नंबर लेगी, ज़्यादा एक्टिव होगी, माँ बाप का कुछ हमने उसके पैरामीटर बना दिए और एक कमेटी बना दी। तो इस तरह से हम हर महीने 21 तारीख को 20 साइकिलें उन बेटियों को बांटते हैं, जिसके कारण हमने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत की, उन घर वालों से पूछा कि भाई क्या फर्क हुआ। बोला जी इतना कॉन्फिडेंस आ गया, कुछ भी हुआ अपनी साइकिल उठाई, उनके लिए तो मारुति कार है, साइकिल उठाई अपनी दौड़ गई और दो मिनट में काम कर, कोई घर के लिए मेडिसिन लानी है, कुछ भी लाना है। तो इस तरह का हमारे को लगा कि यस, कंपनी ने सीएसआर के अंदर कुछ नया किया है। जब हमने इंटरव्यू लिया उनके माँ बाप से और काफी लोगों से पूछा, बोला साहब साइकिल के लिए ना स्कूल में जाना शुरू कर दिया, तो एक पहल सी बन गई। तो उससे लगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है स्कूल गोइंग का, मैनी पहलू है, तो उसमें एक छोटा सा पहलू भी हमारी कंपनी के माध्यम से उसमें कुछ ना कुछ, कहते हैं ना आप आहुति देंगे तो एक मुट्ठी आहुति हमारी भी उसमें लग गई। श्री रमेश अग्रवाल हरियाणा के एक छोटे से स्कूल से पढ़कर हिसार कॉलेज में शिक्षा पूरी कर वायुसेना में गए। वायुसेना से सेवा मुक्त होने के बाद अपने व्यवसाय को तो एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया ही, साथ ही सामाजिक सरोकार के जो कार्य उन्होंने किए वह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हरियाणा के एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर हिसार कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वायुसेना में श्री रमेश अग्रवाल ने नौकरी की। इस नौकरी के 7-8 साल बाद अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर आज 30 साल में जिस तरह से वट वृक्ष के रूप में उसे खड़ा किया, वह हमारे देश के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसी व्यवसाय के साथ सामाजिक सरोकारों के जो कार्य उन्होंने किए, वह अपने आप में एक मिसाल है। मैं जो एजुकेशन मेरी गांव से हुई, एक छोटा सा गांव, और गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर कॉलेज नज़दीक शहर में चले गए, हिसार जो हरियाणा में है, वहां से फिर मैं भर्ती हुआ भारतीय वायुसेना में। और पहली पोस्टिंग और पहली ट्रेनिंग सेंटर मेरा था MTI चेन्नई, उस टाइम मद्रास कहते थे। उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जो मेरी पहली पोस्टिंग वो J&K में हुई, जो आज जिसको श्रीनगर J&K जो जो एरिया है वहाँ पर। और आप कह सकते हो कि भारतीय वायुसेना में जब मैं ट्रेनिंग लेकर पूरा वहाँ से मद्रास से गया था, तो हमारे करीबन उस टाइम पर कोई 500 से ज़्यादा एयरमैन थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे। तो उसमें से आई माल 4-5 एयरमैन जो थे बेस्ट इन ट्रेड एंड बेस्ट इन जो हमारी पूरी इनटेक बोलते हैं उसमें है, तो आई ऑल्सो मैं भी उनमें से वन ऑफ देम था। एक्चुअली जो मेरा जो एक शुरू से एक मन था कि मैं किसी तरह सेना में जाऊं, और वहां से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई 5 और 9 साल के बीच में सेना में रहूंगा। जो कहते हैं ना, जो आदमी मेरे मन में ठान लेता है भगवान उसको सुनता भी है और उसके मुताबिक करता भी है। तो मैं मेरा 6.5 साल भारतीय सेना में मेरा रहने का मौका मिला और फिर मैं वहां से मेरा वॉलंटियरली डिस्चार्ज ले ली। एक चीज़ शुरू से सीखने को मिली, पिताजी से भी मिली, परिवार से भी मिली, डिफेंस से भी मिली। दो चीज़ होती है, एक तो आदमी हमेशा बढ़ता रहता है, स्वभाव में है कि बढ़ता है। आप उम्र में बढ़ोगे, काम करोगे बढ़ोगे, तनख्वाह लोगे तो बढ़ती जाएगी, आपका व्यापार भी स्लोली बढ़ता जाएगा। यदि किसी को चढ़ना होता है, बढ़ने में चढ़ने में बहुत फर्क है, बढ़ता तो जाएगा मगर चढ़ना होगा, तो उसके लिए रास्ते में कोई सहारा चाहिए। जैसे बेल है, लता है, वो बढ़ती जाएगी, यदि उसको चढ़ना होगा तो रास्ते में पेड़ चाहिए, पेड़ के अभाव से वो चढ़ नहीं पाएगी। तो हमने भी एक ये महसूस किया, हम बढ़ते तो रहे मगर चढ़ने के लिए हमारे को पेड़ चाहिए। पेड़ हमारे
व्यापार के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी सोशली काम करोगे वो आपका पेड़ के रूप में आपको सराहना देगा। तो हमने शुरुआत से ही देखा कि कुछ भी हमने समाज के लिए काम किया वो मेरे लिए पेड़ का काम आया। जब आपको महसूस होने लग गया, जब आपको पता होने लग गया कि ये पेड़ ही के बगैर आपकी गति नहीं है, आप आगे चढ़ नहीं सकते, तो वो पेड़ बोना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब हम सर्विस से निकले थे तो वहाँ एक छोटा सा पेड़ बोया था, क्योंकि जो हमारे पास जितनी भी राशि मिली थी वो वार वीडियोज़ को देखकर मैं मेरा जीवन स्टार्ट किया था। तो मैं कहता हूँ एक पेड़ वहीं से मैंने बो दिया और वही आज ये इतना बड़ा फल दे रहा है। दूसरा, फिर जब हमारे 25 साल पूरे हो रहे थे तो एक मन में आया कि इस टाइम पर एक बड़ा पेड़ और उगाया जाए ताकि जल्दी से अच्छे पेड़ पर चढ़ जाए, क्योंकि एक बार अनुभव हो जाता है ना आदमी को पेड़ पर चढ़ने का, तो आदमी फिर कहता है कि रिस्क ले लेता है। हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ करे जो बिल्कुल एकदम हटकर भी हो और इमीडिएटली समाज को लाभ हो, मेरे ट्रेड को लाभ हो और मेरे ट्रेड को चलाने वाले वह सिपाही यानी कि जो ड्राइवर्स उनको लाभ हो। तो एक सर्वे हुआ टोटल कि हिंदुस्तान में 1,38,000 आदमी पर ईयर रोड एक्सीडेंट से मरते हैं सब मिलाकर। और ये भी मेरे को कैसे मैं इसके लिए मोटिवेट हुआ, मैं 2007 में अप्रोक्सीमेटली एक IRU है, इंडियन रोड यूनियन, जो वर्ल्ड वाइड है, जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है, हिंदुस्तान से 2-3 मेंबर हैं, उसमें से मैं भी एक मेंबर हूँ। हम वहाँ इस्तांबुल के अंदर ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस थी पूरे वर्ल्ड वाइड, मिस्टर गोरबचोव वाज द चीफ गेस्ट उस पार्टिकुलर डेट। तो वहाँ के जितने भी जो थे वो एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, रिपोर्ट पढ़ने में लिख रहे थे कि इंडिया इज नंबर वन। जब मैं वो इंडिया नंबर वन सुना तो मैंने ताली बजा दी। तो मैं जब आजू बाजू में देखा कि मैं अकेला ही ताली बजा रहा था, कोई ताली नहीं बजा रहा था, तो मैंने पूछा भाई मैं गलती तो नहीं कर दी, मैं इंडिया का आदमी हूँ, नंबर वन कहे मैं ताली ना बजाऊँ। वो बोला कि जेंटलमैन जो नंबर वन ये कह रहा है कि इंडिया इज नंबर वन इन रोड एक्सीडेंट, रोड किलिंग। तो मेरे को बड़ा दर्द हुआ कि यार ये तो आपसे बड़ी भूल हो गई। मैं आके यहाँ पर काम करना शुरू किया और मैंने कहा कि अब ये मालूम करें कि रियल में हम नंबर वन इसमें है कैसे। तो डाटा निकल कर आया चौंकाने वाला कि हम इतने लोग एक साल में हमारी रोड एक्सीडेंट से बच जाते, जो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है हम। तो अब इसको रोका कैसे जाए, मैं मेरे जिस ट्रेड से था उन ट्रेड के लोगों से बात करनी शुरू की, मैं अपने ड्राइवर भाइयों से बात शुरू की कि रास्ता बताओ कि 1:38 को हम कैसे 1:35 करें, 1:36 करें, 1:37 करें। तो ये आया कि इसमें से मैनी रीजन्स है रोड पे लोगों के मरने के, पर कुछ रीजन ऐसे हैं जो रोके जा सकते हैं, अवॉइडेबल है। वो है यदि ट्रक के ड्राइवर यदि अपनी नींद पूरी कर ले और नींद के कारण यदि वो लोगों को मारते हैं तो इस चीज़ को बचा सकते हैं। मैं सोचा तो सिंपल है, आसान है, ड्राइवरों के जगह जगह कॉन्फ्रेंस शुरू कर इकट्ठे किए कि ड्राइवर भाइयों आपके कारण इतने लोग मरते हैं, आपको करना क्या, आप सोया करो आराम से, गाड़ियाँ बहुत अच्छी बनी हुई आपकी और उन गाड़ियों में प्लेटफार्म बने हुए हैं, आप गाड़ी भी चलाओ और रेस्ट भी करो। तो ड्राइवरों का जो रिएक्शन था वो बड़ा चौंकाने वाला था। जैसे किसी आप भिखारी को कहोगे अरे भिखारी भाई आप अच्छा खाना क्यों नहीं खाते, वो क्या कहेगा हंसकर, बोला यार मजाक कर रहे हो, अच्छा खाना है का। तो सिमिलरली ड्राइवरों ने कहा कि रमेश जी नींद है का, मैं बोला कि क्यों नहीं, दिन में गाड़ी चलाओ रात में सो। उसने कहा कि दिन में तो हम गाड़ी चलाते हैं मगर रात में हम अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए चौकीदारी करते हैं, सो नहीं पाते, रेस्ट जरूर करते हैं, रेस्ट में सोने में रात दिन का अंतर है। एक आदमी ट्रेन के अंदर यात्रा करता है, उसको फर्स्ट क्लास का डब्बे में बैठा हुआ है मगर वो वहां पर भी सो रहा भी है तो उसका ध्यान अपने लगेज के ऊपर है, कल ने कोई हाथ लग जाए, लगेज ना चोरी हो जाए, तो वो सोते हुए भी साउंड स्लीप नहीं सो पाता और अगले जगह जब उतरेगा तो वो आधा दिन रेस्ट करके ही ड्यूटी पे जाएगा, जा नहीं सकता। तो सोने में रेस्ट में बहुत फर्क है। तो उन्हें कहा कि दिन में गाड़ी चलाते हैं, रात में हम गाड़ी की सुरक्षा करते हैं, नहीं तो हमारी गाड़ी की तेल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, जेब में पैसे पड़े हैं उसकी चोरी, तो ये किसी भी सेकंड हो सकती है और मालिक क्या कहेगा कि भैया आपने तो बेच दिया होगा तो हमारे पे ब्लेम लगेगा, तो हम सोना चाहते हैं इसलिए नहीं सो पाते। उनका लॉजिक मेरे समझ में आया। फिर मैंने क्वेश्चन दागा कि भैया तुम सोते नहीं तो तुम्हारी जो बातचीत के हिसाब से लगता है कि 24 घंटे में एक ड्राइवर 3.5 घंटे सो पाता है और मेडिकली कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, तो आपकी नींद पूरी करते कैसे हो। तो एक ड्राइवर ने फिर चौंकाया मेरे को, कहा कि साहब ये गोली है ना खा लेते हैं और इस नींद खत्म हो जाती है। तो मालूम हुआ कि वो काली गोली अफीमची की गोली थी
और वो धीरे धीरे करते हुए अफीमची बन जाते हैं, और अफीमची बन गए तो एक ड्राइवर आम आदमी से 10 साल पहले भगवान के पास जाता है। यानी कि हम 73 ईयर्स हमारी शायद औसत आयु है, मगर एक ड्राइवर की आयु शायद 63 साल है। तो इतना बड़ा योगदान उनका समाज के लिए है, तो मैंने सोचा कि इनके लिए हमारे को कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि ये सो जाए। और एक ही सोचा कि यदि मैं आपकी गाड़ी की सुरक्षा, आपके तेल की सुरक्षा, डीजल की सुरक्षा, पेट्रोल, आपके स्टेपनी की सुरक्षा, बैटरी की सारी मैं दे दूं और गारंटी दूं कि इसमें कुछ भी चोरी हो जाए आप मेरे से ले लेना, गाड़ी पार्किंग मैं कराऊंगा और उस जगह पर सारी व्यवस्था कर दूं, तो आप सो जाओगे? बोले साहब सो जाएंगे, चार्ज क्या लोगे? मैं अज्यूम करो कि आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। बोला ऐसा क्यों करोगे? बोला जी हम अपने मतलब के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे को देश में ड्राइवर की कमी हो रही है, ड्राइवर चाहिए, और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको हम कैसे कम करें वो मेरा मतलब है। तो साहब हमने सोचना शुरू किया कि अब करें क्या, तो एक जगह सोची कि जहां सबसे ज्यादा बिजी हाईवे है, सबसे ज्यादा गाड़ियां जहां जाती है उस हाईवे को पकड़ा जाए। तो मालूम हुआ कि NH 8 जो जयपुर से अजमेर पे जाता है, दैट इज द बिजिएस्ट हाईवे, सबसे ज्यादा ट्रक वहां से पास होते हैं। अप्रोक्सीमेटली मैं समझता हूँ कि 32,000 ट्रक पर डे वहां पास होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल पास होती है। तो हमने वहां पर सोचना शुरू किया, वहां पर एक टुकड़ा जमीन का मिल गया हमारे को, और उस टुकड़े के अंदर हमने फिर सोचा कि एक 7-8 इसमें से छोटी छोटी बिल्डिंग बनाए जिसमें सारी फैसिलिटी हो। वहां पर 500 चारपाई, 500 ड्राइवरों के लिए रहने सोने के लिए कंबल, लैट्रिन बाथरूम वो भी एयरपोर्ट जैसे, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, एम्बुलेंस, और उनकी सेविंग हो जाए वह नाई की दुकान, और 200-250 गाड़ियों की पार्किंग, ये सारी बेसिक फैसिलिटी हमने वहां पर प्रोवाइड करी। और कोई भी ड्राइवर हिंदुस्तान का उस हाईवे से जो गुजरेगा उसको हमने रिक्वेस्ट की कि ड्राइवर भाई आप यहां से गुजरोगे तो आपको यहां पर रेस्ट करना है, और मिनिमम 4 घंटे जो ड्राइवर रेस्ट करेगा उसको सारी फैसिलिटी हम आपको कम्प्लीमेंट्री देंगे, फ्री देंगे, कोई आपका चार्ज नहीं होगा। और उस तरह से एक नया दौर शुरू हुआ, और पर डे 400-500 ड्राइवर वहां पर सोने लग गए, और जिसके कारण महीने के 15,000 नींद पूरी होने लग गई। आज मिलिट्री मैन हो या चुनाव के समय सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारी कर्मचारी, सभी ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालते हैं। लेकिन देश का वाणिज्यिक ड्राइवर जिसकी संख्या 1 करोड़ करीब है, उसके ई वोटिंग की परिकल्पना प्रस्तुत कर श्री अग्रवाल ने देश के प्रजातंत्र को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। ड्राइवरों की ई वोटिंग विषय पर श्री रमेश अग्रवाल ने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया, साथ ही देश के युवाओं को एक संदेश दिया। हम चैनल के माध्यम से एक चीज भारत सरकार से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो स्टेट के चलाने वाले जो सिपाही हैं वो हैं ड्राइवर्स, और जब भी वोटिंग होती है उनका कोई भरोसा नहीं कि हिंदुस्तान के किस कोनर में है। वो रहने वाले होंगे हरियाणा के, मगर होंगे असम के अंदर, होंगे तमिलनाडु के अंदर, होंगे जम्मू कश्मीर में, रहने वाले होंगे तमिलनाडु के, वो गुजरात में अपनी ड्यूटी देते रहेंगे। वो पॉसिबल नहीं है कि ड्यूटी छोड़कर वो अपने चेन्नई में वापस आए ट्रेन से वोट दे। तो जिस तरह से डिफेंस का ई बैलेट्स है, अपना जो ई बैलेट का जो सिस्टम है, वैसा ही इन हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों के को भी ये फैसिलिटी मिले, सरकार से मिले या किसी मानिए कोई सुप्रीम कोर्ट से मिले, किसी तरह से मिले, और कम से कम एट ए टाइम, यदि मैं इंडिया की पूरी बात करूं तो 1 करोड़ से कम हमारे ड्राइवर नहीं होते। तो ये 1 करोड़ का बहुत बड़ा आज हमारा मिसिंग रह जाता है जो वोट नहीं दे पाते, तो ये वोट देने का इनको अधिकार बने, किसी तरह से बने। जिस तरह से जुझारू पुरुष श्री रमेश अग्रवाल अपने व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक सरोकार से देश के विकास के कई कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से अन्य उद्योगपतियों और व्यवसायियों को सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों से जुड़ना चाहिए ताकि हमारा देश पूर्ण विकसित हो सके।